ये था वो लगभग 15 मिनट में एड्रेस कर लिया गया। 15 मिनट में हम लोगों ने वीडियोग्राफी कराई। आधे घंटे के आसपास वो लाइट बंद रही वहाँ पर। हालांकि ये 12 मतों से 3:30 बजे मुझे विजयी घोषित किया गया था और उसके बाद 8:30 बजे लाइट गोल करके और... बालाघाट जिले की 6 विधानसभा क्षेत्रों के लिए आगामी 3 दिसंबर को शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में मतगणना होना है, जिसको लेकर जिला निर्वाचन के द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है। लेकिन मतगणना के पहले बालाघाट जिले का माहौल गर्माया हुआ है। बता दें कि शासकीय कर्मचारियों के मतगणना से वंचित होने का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि 27 नवंबर को सोशल मीडिया में डाक मतपत्र के स्ट्रांग रूम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिससे हड़कंप की स्थिति निर्मित कर दी। जिसके बाद आनन फानन में पोस्टल बैलेट के नोडल अधिकारी को चुनाव आयोग ने शिकायत के बाद सस्पेंड कर दिया। तो वहीं 28 नवंबर की प्रातः मतगणना स्थल यानी पॉलिटेक्निक कॉलेज में बनाए गए ईवीएम के स्ट्रांग रूम के सीसीटीवी कैमरे बंद हो गए, जिसके बाद पुनः हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई। बता दें कि 28 नवंबर को शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में बनाए गए जिले की 6 विधानसभाओं के ईवीएम के स्ट्रांग रूम में लाइट बंद होने और सीसीटीवी कैमरे बंद होने के चलते प्रत्याशियों में हड़कंप की स्थिति नजर आई, जिसको लेकर एक बार फिर कांग्रेस ने जिला निर्वाचन की कार्यप्रणाली पर निशाना साधा। देखिए, जैसे ही वहाँ पर पॉलिटिक कॉलेज जो स्ट्रांग रूम बना हुआ है उसमें हमारे लोग बैठे हुए हैं, वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे चल रहे हैं। जैसे ही सीसीटीवी कैमरे बंद हुए, हमको तत्काल पता पड़ा कि वहाँ पर लाइट बंद हुई है और वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे बंद हुए हैं। तुरंत एक्शन में आकर 8:43 में मैंने एसडीएम साहब को फोन किया कि साहब लाइट बंद है और कैमरे बंद है। उन्होंने कहा कि हाँ कुछ टेक्निकल इश्यू आया है, हम लोग भी वहाँ पहुंच रहे हैं, हमको भी जानकारी मिली है। लगभग 9:05-10 पे एसडीएम साहब, एडीएम साहब और मैं हम लोग वहाँ पहुंचे। तो जैसे ही वहाँ पर पता पड़ा तो पूरी टीम पहुंच चुकी थी बिजली विभाग की। आधे घंटे के आसपास वो लाइट बंद रही वहाँ पर। हालांकि ये चीज़ अलग थी कि जनरेटर के माध्यम से लाइट चालू हो गई थी तत्काल, लेकिन कैमरे चालू नहीं हुए थे। उसके बाद वो टेक्निकल टीम आई और फिर उन्होंने धीरे से कैमरा भी चालू हुआ। उनका कहना था कि कुछ टेक्निकल इश्यू आ गया है, क्योंकि वहाँ पर जो डीवीआर है उसके पीछे जो तार गई है, वायर गई है, वो इस बरसात मौसम कारण है, वो कुछ हुआ है उसको, तो उस कारण वो डीवीआर बंद हो गया है। उसके कारण डिस्प्ले में कैमरे में नहीं दिखा पा रही है। लेकिन एक कोई दो मत नहीं है कि लाइट चालू हो गई थी, जब मैं पहुंचा तो वहाँ लाइट जनरेटर के माध्यम से चालू थी। देखिए, निश्चित तौर पर, क्योंकि अभी जो स्टैंडिंग कमेटी थी, हमने कलेक्टर साहब से निवेदन किए थे कि 2013 की जो घटना है उस घटना के माध्यम से हर व्यक्ति, खासकर राजनीतिक पार्टी या विपक्ष की हमारी जो भूमिका है उसमें हमको संशय पैदा हुआ है 2013 के माध्यम से भी। तो उन्होंने हमें कमिटमेंट किया था कि आने वाले समय में जो भी चुनाव है इसमें ऐसी कोई घटना नहीं दोहराई जाएगी और बैकअप लेकर चल रहे हैं। लेकिन बावजूद इसकी ये घटना घटी है। और अब मेरा ये मानना है, क्योंकि एडीएम साहब और एसडीएम साहब वहां पहुंच चुके थे और उन्होंने जो बोला था, हालांकि जैसे ही मैं पहुंचा मुझे तत्काल स्ट्रांग रूम के सामने खड़ा किया, जहां पर 6 स्ट्रांग रूम है 6 विधानसभा, मैं जस्ट उसके सामने, मैंने वीडियो भी आप लोगों को भेजा है, मैं वहीं पर खड़ा था। वहाँ सीआरपीएफ की पूरी टीम खड़ी थी, सीआरपीएफ के जवान खड़े थे। तो मैं उस पर, क्योंकि मेरे आंखों सामने की चीजें, मैं कहीं कोई दोषारोपण नहीं कर रहा हूँ, पर ये जो घटना घटी है निश्चित तौर पर निंदनीय है और शासन प्रशासन को समझना पड़ेगा कि भविष्य में भी ऐसी कोई घटना न दोहराए, तो अन्यथा संशय पैदा होता है। शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष श्याम पंजवानी ने कहा कि लगभग 9 बजे जब वे वहां पहुंचे तो लाइट गोल थी, सीसीटीवी की लाइव रिपोर्टिंग स्क्रीन पर नहीं दिख रहा था, जिसकी सूचना उन्होंने तत्काल एडीएम और एसडीएम को दी, जिसके बाद वे वहां पहुंचे और लाइट प्रारंभ कर दी। आज लाइट गोल होने का मामला सामने आया, कितना ये मामला सा जरूरी है, क्या लग रहा है? स्ट्रांग रूम में उसको इमीडिएटली ठीक कर लिया गया था, टीम पहुंच गई थी, चूंकि आज बारिश हो रही थी तो फ्लक्चुएशंस थे, उसको एड्रेस कर लिया गया। बीच में स्टैंडिंग कमेटी की बैठक हुई तो उसमें यही सवाल उठा था कि लाइट गोल नहीं होने चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा आया कि तो सर फिर ऐसे में राजनीतिक पार्टियों में संदेह बनता है। नहीं नहीं, तो जितना देर आपका स्ट्रांग रूम की लाइट गई थी उतना देर हम लोगों ने वीडियोग्राफी कराई है वहाँ पर, संदेह की कोई गुंजाइश नहीं। सीसीटीवी वगैरह तमाम बंद पाया गया था। सीसीटीवी बंद इसलिए था, वो लगभग 15 मिनट में एड्रेस कर लिया गया, 15 मिनट में हम लोगों ने वीडियोग्राफी कराई वहाँ पर। सर मतगणना होना है तो इस तरह की स्थिति न निर्मित हो, इसके लिए क्या प्रयास होंगे? इसके लिए हम लोगों ने यूपीएस का बैकअप जो था उसको चेंज किया है, साथ ही साथ जनरेटर रखा है, वो तो 2 बैकअप प्लान हमारा है, बाकी बिजली रहेगी, तो हम लोग 2 प्लान पे चल रहे हैं। दल को कन्विंस कराने की इस तरह की भविष्य में स्थिति नहीं होगी।
हालांकि इस मामले में जिला निर्वाचन अधिकारी ने मीडिया से चर्चा में कहा है कि महज 15 मिनट के लिए ऐसी स्थिति हुई थी जिसकी हमने वीडियो रिकॉर्डिंग करवाई है। यूपीएस का बैकअप को चेक किया जा रहा है और भविष्य में ऐसा नहीं होगा। चुनाव जिस तरह संपन्न हुए, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव की प्रक्रिया चले और मतगणना भी शांतिपूर्ण ढंग से हो। हम नहीं चाहते कि हमारे जिले की कानून व्यवस्था बिगड़े और हम कानून को हाथ में लें। हम एक भारत के जिम्मेदार नागरिक हैं, हम जिम्मेदारियों का निर्वाह हम भली भांति करना जानते हैं। लेकिन यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है, अब मैं बिल्कुल खुल के ही बोलना चाहूंगी कि जिला निर्वाचन अधिकारी श्री गौरीशंकर बिसेन जी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं और बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से, हमें बहुत शक है कि मतगणना भी निष्पक्ष शायद ना हो, ऐसा भी है। और इसके लिए मैं बता दूं कि अनुभव मंजारे अब जान की बाजी लगाने को तैयार है। चाहे तो आप इसको हेडलाइन बना लीजिए, अगर मैं सबसे पहली गोली अगर चलेगी तो अनुभव मंजारे के ऊपर चलेगी, ये प्रशासन समझ ले इस चीज को। क्योंकि 2013 में 312 मतों से 3:30 बजे मुझे विजयी घोषित किया गया था और उसके बाद 8:30 बजे लाइट गोल करके, और उस समय के जो निर्वाचन अधिकारी कोई श्री रांगडाले जी थे, जो SDM तत्कालीन SDM थे, बालाघाट में पदस्थ थे, उन्होंने हमें ये कहा गया था कि मतगणना स्थल मतगणना पूरी हो चुकी है, आप जाएं तो पंडाल में जाकर बैठ जाएं आप लोग, अब प्रमाण पत्र आप लोग को वहीं वितरित किया जाएगा। और उसके बाद हम 1.5 घंटे नीचे बैठे रहे, हमें कुछ भी समझ में नहीं आया। सारे प्रत्याशियों को विजय प्रमाण पत्र मिलने लग गए थे। जब मेरी बारी आई तो मैंने देखा कि कम से कम 10 पुलिस वालों के साथ श्री गौरीशंकर बिसेन जी, जो कि बंगले में जाके बैठ चुके थे, वो आए और उनको सीधे वहां मंच पे बुला के प्रमाण पत्र सौंपा गया था। वो मंजर मैंने भोगा है, झेला है, और हमारे जो 70,000 मतदाता थे उनने भी उस पीड़ा को झेला है। आज पूरे जिले में हाहाकार मचा हुआ कल की घटना को लेकर, वो तो मैं सबको समझा के रख रही हूँ, नहीं तो अभी शहर में कदम रखने की जगह नहीं रहती। पूरे जिले के लोग आने को तैयार हैं कि अगर इस बार ऐसा होता है तो ऐसा कैसे होगा। मैंने सबको समझाया कि आप जहाँ हैं वहीं रहिए, आप लोगों को यहाँ आने की जरूरत नहीं है। आप देख रहे हैं बालाघाट खबर।